वेरी गुड आफ्टरनून गाइज वेलकम बैक इन ए सी सी डिफेंस अकेडमी तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे आज हम आपके लिए जनरल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लाए हैं इसमें हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है अगर आप एसी सी वन थ्री जीरो के लिए अग्निवीर एफ कैट सी डी एस किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे तो सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिज़ीज़ डी पी टी वैक्सीन इज़ यूज कौन सी डिजीज़ के दौरान डी पी टी वैक्सीन का यूज़ करा जाता है तो इस डिजीज़ का नाम है डायपथीरिया ठीक है डायपथीरिया इस डिजीज़ का नाम है और इसमें होता क्या है कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है हार्ट फेलियर होता है पैरालिसिस होता है और कभी कभी डेथ भी होती है ठीक है तो ये डिजीज़ है हमारे पास डैपथीरिया और इस दौरान कौन सी वैक्सीन का यूज़ कर किया जाता है इसको क्योर करने के लिए डीपीटी वैक्सीन का ठीक है उसके बाद आते हैं पे का क्या है 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 तो किससे होती होती ये से से ठीक कौन सी डिजीज होती है एड्स उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पोलियो वैक्सीन वॉज फर्स्ट प्रिपेयर वाई पोलियो वैक्सीन फर्स्ट किसने प्रिपेयर करी थी तो इनका नाम था जोनस साल्क इन्होंने क्या करा था पोलियो वैक्सीन को प्रिपेयर करा था और कब करा था ये भी आप नोट कर सकते हो इन 1952 में 1952 में इन्होंने पोलियो पोलियो वैक्सीन को फर्स्टली प्रिपेयर करा था देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैंसर इज ए डिजीज कॉज्ड बाई कैंसर एक डिजीज़ है किससे काज होती है तो ये एक डेडली डिजीज़ है और ये काज होती है कार्किनोजेंस से ठीक है अभी कार्किनोजेंस क्या होते हैं ये ऐसे सबस्टांसिस होते हैं जो आ, कैंसर काज करते हैं ठीक है कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कार्किनोजेंस की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे एसविस्टॉस निकल कैडमियम रेडॉन बैनजीन तो ये सारे यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं ये पॉइजनस एलिमेंट्स हैं और ये कैंसर का मेन काज है ठीक है तो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि कैंसर किससे होती है तो कै से ये होती है देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच डिजीज इज कॉल्ड रॉयल डिजीज रॉयल डिजीज कौन सी डिजीज को कहा जाता है तो इसका आंसर है आ, हेमोफीलिया हेमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहा जाता है उसे रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्टली इफेक्ट किसको करी थी रॉयल फैमिलीज ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड की रॉयल फैमिलीज को इस डिजीज ने सबसे पहले इफेक्ट करा था तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था रॉयल डिजीज ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये वो क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल सके मिल सकते हैं ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच डिवाइस इज यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर तो बहुत कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करा जाता है द डिवाइस इज क्रायोमीटर ठीक है अब क्रायोमीटर क्या होता है एक टाइप का थर्मामीटर होता है जो कि बहुत ज्यादा कम टेम ऑब्जेक्ट्स का बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है किसी भी चीज़ का बहुत कम टेम्परेचर है उसके लिए क्रायोमीटर का यूज किया जाता है देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई SI यूनिट क्या है

ओहम ओहम किसका इसका ऐसा यूनिट होता है ये होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यूनिट है इनको भी आपको नोट कर लेना है उसके बाद क्यूरी क्यूरी किसका ऐसा यूनिट होता है ये होता है रेडियो एक्टिविटी का क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है किस प्रिंसिपल पे ये वेस्ट है तो इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन पे ठीक है और या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ठीक है अगर सेंट्रीफ्यूगेशन ऑप्शन में रह गया तो उसका प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगेशन है और फोर्स कौन सी है सेंट्री फ्यूगल फोर्स तो ये वॉशिंग मशीन इस पर वर्क, वर्क करती है देन उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस पे अप्लाई होता है एनी पेयर ऑफ बॉडीज़ मतलब दो बॉडीज पे अप्लाई होता है अर्थ एंड मून पे अप्लाई होता है प्लानेट अराउंड द सन सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं उन पर अप्लाई होता है या फिर अर्थ और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अर्थ पे अप्लाई होता है तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा एनी पेयर ऑफ बॉडीज किन्नी में दो बॉडीज़ के पेयर पे, पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होता है आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा होगा अब वो क्या कहता है कि कोई भी दो बॉडीज आप एक दूसरे एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होती हैं एक फोर्स से और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्केर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम ठीक है तो यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होता है किन्नी दो पार्टिकल्स पे या किन्नी दो बॉडीज पे तो इसका सही आंसर रहेगा एनी पेयर ऑफ बॉडीज देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पोलियो डिजीज इज कॉज्ड बाई पोलियो डिजीज किससे होती है तो ये एक वायरल डिजीज़ है सो आंसर इज वायरस ऑप्शन ए देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है सो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी और स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी में सो आंसर इज पाइनियल ग्लैंड पाइनियल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है ये होता है डोरसल साइड ऑफ फोर ब्रेन ठीक है फोर ब्रेन के डोरसल साइड पे स्मॉलेस्ट uh, ग्लैंड होता है विच इज़ नोन एज पाइनियल ग्लैंड ठीक है और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है लीवर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ए सी वन थ्री जीरो का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है तो बिना टाइम वेस्ट करें आप अभी से कोर्स में इनरोल हो जाइए आपको थर्टी परसेंट थर्टी फाइव परसेंट तक डिस्काउंट भी मिल रहा है तो कोर्स में इनरोल आप अभी हो सकते हैं भाई अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं और ग्रंटेड अगर टॉप फाइव रैंकिंग में आना चाहते हैं अब अगर आप कोर्स में इनरोल होते हैं अगर आपको फुल पी नोट्स मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी डेली आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी रात को नौ से ग्यारह बजे तक साथ ही आपको मॉक टेस्ट साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रोवाइड करी जाएगी सो दैट आप उससे अगर प्रिपेयर करते हो तो आप कम टाइम में भी ज्यादा चीजों को पढ़ सकते हो ठीक है आपको प्रॉपर मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और मॉक टेस्ट वगैरह टाइम टू टाइम आपके होते रहेंगे ठीक है तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो क्योंकि अभी दो मंथ सिर्फ ओनली दो मंथ ही बचे हैं क्योंकि एज यू नो फर्स्ट ऑफ जनवरी 2024 में आपका आई 130 का एग्जाम है तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी कोर्स में रोल हो जाइए आपको सिर्फ क्या करना है व्हाट्सएप करना है हमें एट वन टू जीरो सेवन फोर फाइव नाइन डबल सिक्स पे ठीक है इसके साथ ही अगर आप बुकलेट ऑर्डर करना चाहते हैं न्यूली सिलेबस पे बेस्ड जो बुक बुक्स हैं उनको अगर आप अपने पास आप ऑर्डर करना चाहते हैं भाई तो अभी हमें व्हाट्सएप करें या किसी भी क्वीरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ठीक है तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है तो विटामिन ई e का केमिकल नेम है टोकोफिरोल टोकोफिरोल देन उसके बाद अगर हमें पूछा जाए कि कैल्सी कौन से विटामिन आ, का केमिकल नेम है तो ये है विटामिन डी का द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज कैल्सी ठीक है और इसके अलावा अगर हमें पूछा जाए कि एस्कॉर्बिक एसिड का केमिकल नेम क्या है या एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का केमिकल नेम है तो यह है विटामिन सी का विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सिफिरोल और यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि विटामिन ई e का केमिकल नेम तो ये है टोकोफिरोल तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको आप अच्छे से कर लें देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर्ट गैस वाज डिस्कवर्ड बाई होम इनर्ट गैस को किसने डिस्कवर करा था अब पहले इनर्ट गैस होती क्या है वो गैसेज या वो सबस्टांसिस जो केमिकली रिएक्टिव नहीं होते ठीक है नॉर्मली किसी से वो रिएक्ट नहीं करते अब ये इनर्ट गैसेज को डिस्कवर करा था विलियम रामसे ने इन्होंने डिस्कवर करा था इन 1894, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्होंने जो सबसे पहली गैस जो डिस्कवर करी थी विच इज़ इनर्ट गैस द नेम इज़ ऑर्गॉन ऑर्गॉन पहली गैस थी जो इन्होंने डेवलप करी थी और उस गैस का इन्होंने नाम दिया था ऑर्गॉन ठीक है इसके अलावा हमारे पास हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन ये सारी इनर्ट गैसेज हैं बट इनर्ट गैसेज को फर्स्टली डिस्कवर करा था विलियम रामसे ने इन एटीन देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करा जाता है तो इसका आंसर रहेगा स्गमो मैनोमीटर स्फाइगो मैनोमीटर का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव इनमें से मैकेनिकल वेव कौन सी है सो आंसर इज साउंड वेव ठीक है साउंड वेव क्या है मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव होती क्या है मैकेनिकल uh, वेव वो वेव होती है जिसको uh, जिसको प्रोपोगेट होने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है ठीक है तो साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव और बाकी की जो वेव्स हैं ऐसे एक्सरे है माइक्रोवेव्स है रेडियो वेव्स है, है ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट यहाँ पे जो ऑप्शन हैं इथर वाटर मर्करी एंड अल्कोहल इनमें से बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है सो मर्करी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बट सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का बट यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मर्करी है सिल्वर नहीं है देन यहाँ पे मरकरी होगा बट सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हीट ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो अगर ऑप्शन में रहता तो सिल्वर इज़ द बेस्ट ऑफ हीट तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मर्करी इसका सही आंसर रहेगा क्योंकि मर्करी भी बेस्ट ऑफ हीट है देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग इज नोन एज पे हमें पूछा हुआ है कि स्ट्रिंग uh, uh, को कंबाइन करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि दो चीजों को लिंक करने के प्रोसेस को इन सीरीज को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर रहेगा कॉन्कैटिनेशन ठीक है और कॉन्टिनेशन क्या होता है जब भी दो चीजों को लिंक करा जाता है फॉर्म ऑफ सीरीज तो उसे कहा जाता है कॉन्काटिनेशन ठीक है देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्थ फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ हुआ था किस प्लेस पे हुआ था तो इसका सही आंसर है रायो डी जेनेरियो रायो डी जेनेरियो में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड हुआ था और रायो डी जेनेरियो है कहां पे ब्राजील में है और ये कब हेल्ड हुआ था फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट तो ये हुआ था इन जून नाइनटीन तो ये डेट भी आपको नोट करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां पे हमारा ट्वेंटी क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड कर्नाटका की किस डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ठीक है लोकेटेड है तो कहाँ पे है ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका की कोड़ागु डिस्ट्रिक्ट में ठीक है कर्नाटक की कोड़ागु डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ठीक है तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉन्टेड क्वेश्चन थे और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे बार बार इनको देखते रहिए और साथ में बताते रहिए कि ये जो हम जनरल साइंस की यहाँ पे वीडियोज़ ला रहे हैं आपको कैसी लग रही हैं ठीक है तो इनको देखते रहिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच